मिल गया है अच्छी तरह से ना। अब चढ़ा दीजिए इसको, चढ़ा देते हैं रिफाइन के साथ। देखिए चावल को, कच्चे चावल को भून दे रही है। टमाटर भी काट के डाल दे रहे हैं, देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और सब अपने अपने जिंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाइयों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और दोस्तों आज है खिचड़ी हम लोग का, खिचड़ी हम लोग को परंपरा के अनुसार चला जा रहा है दोस्तों, पुरखों से चला आ रहा है। आज है बावड़ी का खिचड़ी दोस्तों, तो हम लोग को नियम है कि हम लोग आज खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो आज के ब्लॉग्स में क्या बनाने वाले हैं? खिचड़ी। तो खिचड़ी में हम लोग मटर, फूलगोभी, चने का दाल और भी क्या है सब मिला के हम लोग शिमला मिर्च वगैरह सब मिलाकर खिचड़ी बनाने वाले हैं दोस्तों। तो खिचड़ी कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए एकदम देहाती स्टाइल में। तो आप लोग वीडियो में फुल बने रहिए और फुल वॉच कीजिए वीडियो को। और इससे पहले जो जो नए होंगे सो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और जो जो दोस्तों जो लाइक करके अनलाइक मत कीजिएगा दोस्तों, और अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा दोस्तों, ऐसा प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं दोस्तों आप लोग। तो हम लोग चूल्हे वगैरह जला लिए हैं, देखिए उधर परी मम्मी खड़ी है, इधर परी भी खड़ी है, इधर बच्चे लोग, सारे बच्चे लोग खेलते हैं आंगने में आकर। देखिए इधर सारे बच्चे सब आके मेरा ही अंगना में खेलते हैं। तो चलिए जी, चूल्हा जला लिए हैं ना, जला लिए। आज हम लोग कोयले का चूल्हा जलाए हैं, लकड़ी का नहीं जलाए हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग ब्लॉक्स में फुल बने रहिए एकदम। इधर अदहन चढ़ा दिए हैं पानी गर्म करने के लिए ना जी। इधर अरवा चावल देखिए, फ्रेश चावल को फटक रही है। देखिए अरवा चावल है, ये अरवा चावल का खिचड़ी बनाने लगे। देखिए ये चावल है, अब इसको हम धो लेते हैं, इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं, फ्रेश करके एकदम दो तीन पानी से धो लीजिए जी एकदम अच्छी तरह से। उसके बाद बनना है उसमें दे दीजिए, अदहन भी हो गया है, उबल रहा है पूरा पानी। आज हम लोग लकड़ी नहीं जलाए हैं दोस्तों, कोयले का चूल्हा जलाए हैं आज। उसमें कोयला भी हम लोग सिस्टम दे दिए, कढ़ाई चढ़ा रहे हैं जी। इसको ये जो चावल है ना उसको थोड़ा सा भून लेते हैं रिफाइन से। अच्छा, रिफाइन से थोड़ा सा भून लेती हैं। चावल धो लिया, चावल धो के इसमें प्लेट में रख लेते हैं ताकि पानी ना चल जाए उसमें। और इसमें रिफाइन दे दिए पिघलने के लिए, पिघल गया जी कढ़ाई, हो गया है देखिए धुआं देने लगा है। अब इसमें चावल को क्या कीजिएगा? तो चावल को थोड़ा देर भूनेंगे, थोड़ा देर धो के भून दे रही चावल को। देखिए आज है खिचड़ी, तो खिचड़ी के शुभ अवसर पर हम लोग दोस्तों आज खिचड़ी बना रहे हैं। सादे खिचड़ी है, आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए और ब्लॉग्स को फुल वॉच कीजिए। और आप लोग भी आज खिचड़ी है दोस्तों, खिचड़ी बनाइए आप लोग। रिफाइन के साथ देखिए चावल को, कच्चे चावल को भून दे रही है। इसके बाद जो अदहन हुआ था ना उसमें डाल देंगे, फिर इसको अदहन में डाल देगी ना। गरम पानी हुआ उसमें डाल देंगे। ये कच्चे चावल है, कच्चे चावल को भून रही है। अच्छी तरह भुजा दिए चावल, अब इसको हम उतार देते हैं। उतार दीजिए इसका, जो ये अदहन हुआ था मेरा इसको फिर से हम चढ़ा देते हैं। अदहन को चढ़ा दीजिए, अभी चावल को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अदहन वाला चावल पानी में इसमें डाल देते हैं। कढ़ाई से अलग कर दे रही है, प्लेट में रख रही है, देखिए। और फिर ये अदहन आवाज भी करने लगा है, उबलने लगा है, अब इसी में डाल देंगे हम लोग। कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों आप लोग किस तरह से खिचड़ी बनाते हैं, हम लोग तो इसी तरह से बनाते हैं दोस्तों। इसको चावल को डाल दे रही है अदहन में, ये थोड़ा सा रह गया जी, डाल देंगे, जगह नहीं रहेगी। उधर चावल सीझ रहा है, तब तक इधर देखिए सारे मटेरियल काट ले रही है परी की मम्मी। ये फूलगोभी को काट रही है और आलू भी रखी है छिल छाल के, और शिमला मिर्च है, धनिया पत्ता है, टमाटर है और मटर छेमी है ना जी। हाँ, सब काट के रख लेंगे, काट के रख लेंगे। और चने दाल भी, चना दाल भी रखे हैं, चना दाल। अच्छा, चने दाल भी डालना है ना, चना दाल डालेंगे। देखिए अच्छा अच्छा बनाइए, देखिए इधर सारे मटेरियल काट रही है।
चावल सीझ गया, अब चने दाल को हम लोग कुकर में सिझा दे रहे हैं। कुकर में जल्दी सिझता है, इसलिए कुकर में जल्दी सिझा रही है। तब तक इधर काट भी ले रही है। देखिए हम लोग मिलजुल के सब्जी काट ले रहे हैं। मटर छेमी छुड़ा दे रहे हैं, शिमला मिर्च काट रही है इधर। दाल हम लोग सिझाने दिए थे, सिझ गया कुकर में। अब इसमें कढ़ाई चढ़ा के अब प्याज को भूंज रही है। इधर देखिए मटर छोड़ा के रख लिए हम लोग, और इधर टमाटर है, फूलगोभी है, शिमला मिर्च है, आलू है, इधर मसाले वगैरह है। इसको सब सील में पीसेंगे हम लोग। देखिए इधर साथ में भी भून देते हैं। देखिए भून दे रही है, साथ में सब मिलाकर भून रही है। तल भी रही है ना, तला भी जा रहा है, भूंजा भी जा रहा है साथ ही साथ। भूंज ले रही है सारे मिलाकर, इधर भूंज रहे हैं हम, तब तक उधर मसाले पीस ले रही है परी की मम्मी। मसाला भी पीस लिया, हल्दी पाउडर मिला दे रही है मसाले में, और इधर देखिए भूंज दे रही है मिला के हम लोग सब मसाले वगैरह को। सारे सब मिलाकर उसके बाद हम लोग ये मटर इधर रही रह गया, मटर इसी में डाल दीजिए, डाल दें। देखिए इसमें मटर भी डाल दे रहे, सारे मटर डाल दिए। इधर देखिए चावल बन के सीज के रखा है, सिर्फ मसाले तैयार करना बाकी रह गया, इसलिए मसाले हम लोग तैयार। इधर दाल भी सीज गया है, चने का दाल है ये, और इधर मसाले ऐसा भूंज रहे हम लोग सारे सब्जी को। पूरा अच्छी तरह से पका लेंगे, उसके बाद ही डालेंगे चावल में। टमाटर भी काट के डाल दे रहे हैं, देखिए काट के रखा है ताकि टमाटर भी जल जाए साथ साथ में, इसका मसाला भी भून जाए। हम लोग टमाटर चार, तीन से चार पीस दे दिए ना। खिचड़ी ना ताकि खिचड़ी है मसालेदार में तो खट्टा लगे तो अच्छा लगेगा खाने में। हम लोग आज खिचड़ी बना रहे हैं एकदम शुभ अवसर पर, खिचड़ी के शुभ अवसर पर। आप लोग भी जहाँ है देखिए खिचड़ी बनाइए और मस्त से बना के खाइए, एकदम बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट खिचड़ी बन रहा है दोस्तों। आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए और ब्लॉग्स को फुल वॉच कीजिए एकदम। और जो जो नए होंगे सो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम लोग को सपोर्ट भी कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा खिचड़ी कैसा बना दोस्तों। हम लोग तो अपने अंदाज में बना के दिखाएं दोस्तों खिचड़ी को, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। फूलगोभी वगैरह जितना भी था सारे बन गए, तैयार हो गए। अब देखिए चावल में मिला दे रही, हाँ चावल में मिला दे रही है चावल को। इधर इधर चावल देखिए, इधर चावल तैयार है, इधर चने का दाल भी तैयार है। चने दाल का सब मिला दिए, देखिए इसमें डाल दिए। अब इधर सब्जी भी हो गया, ये मटर वगैरह फूलगोभी आलू जितने भी थे सारे सीज गए हैं। अब और इसमें डाल दे रही है देखिए चावल में। अच्छा कढ़ाई उतार के अब इसमें मिला दे रही है, देखिए मिला के, और फिर से हम लोग चूल्हे में चढ़ा देंगे चावल। और ये जितने थोड़े से बाकी है सीजने के लिए तो सारे सीज जाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोगों की खिचड़ी तैयार हो जाएगा ना जी। देखिए मिला दे रही अच्छी तरह से, मिला के और चूल्हे में फिर से चढ़ा देगी ना जी। हाँ चूल्हे में चढ़ा देंगे फिर से, ताकि जो हल्का फुल्का कच्चा है ना फूलगोभी वो अच्छे से सीझ जाए, और जो हल्दी है इसमें चावल में अच्छे से मिल जाए और दिखने में भी सुंदर लगे। मिल गया अच्छी तरह से ना, अब चढ़ा दीजिए इसको, चढ़ा देते हैं चूल्हे में। देखिए इधर चढ़ा दिए चूल्हे में, अपने नमक अब इसको सीझने दे दे रही अच्छी तरह से पकने के लिए। क्या रे परी ठंडा लगते है तुमको रे? इधर नमक मिला के अच्छी तरह से दीजिए, अब ढक दीजिए, मिला लेते हैं पहले, ढक। फाइनल खिचड़ी बनकर तैयार हो गया हम लोग का, देखिए इधर हो गया। अब इसको उतार देते हैं और इसको पचफोरन सरसों के तेल और पचफोरन से छौंका लगा देते हैं। चलिए उतार दीजिए इसको,
देखिए इसमें लाल मिर्च और ये लहसुन और ये पचफोरन उसे हम छौंका लगाते हैं। देखिए परी भी लहसुन छुड़ा रही ना रे, इधर छौंका लगाने वाली रखिए खिचड़ी में। अब इसको हम छौंका लगा देते हैं। देखिए मिर्चा और लहसुन सब अच्छे से हो गया है, खिचड़ी में छौंका लगा दिया हमने, इसके क्या होगा कि स्वाद और बढ़ जाएगा। बस दोस्तों आप लोगों को थाली में निकाल के दिखा दे रहे हैं, खिचड़ी अब कम्प्लीटली फाइनल बन चुका। धनिया पत्ता जो हम काट के रखे थे उसमें डाल देते हैं, तो खाने में भी स्वाद लगेगा। और इसको चला दे रहे हैं के दिखा रहे हैं आप लोग को थाली में, और थोड़ा बता दीजिएगा कैसे बना है। देखिए स्वादिष्ट तो बड़ा अच्छा आ रहा है जी, देखिए आप लोग देखिए ट्राई करके देख लीजिए कि देखिए किस तरह बना है। खिचड़ी और ये धनिया पत्ता की चटनी है, इसके साथ खाइएगा। ये धनिया पत्ता की चटनी बना दी है। थाली में निकाल कर दोस्तों दिखा रहे हैं कैसा बना है हमारा खिचड़ी, वो भी कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग कैसा बना है। और पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।